सर गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर प्रोजेक्ट अपडेट वीडियो। और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में बनने वाले सबसे हाईटेक और सबसे लंबे टनल के बारे में। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे इंडिया करंटली सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होने वाला है और ये एक्सप्रेस वे मल्टीपल स्टेट्स को क्रॉस करता है। और ऑब्वियसली बात है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था ये एक्सप्रेस वे राजस्थान को भी क्रॉस करता है और राजस्थान में काफ़ी सारे हिल्स है दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों ये एक्सप्रेस वे 7 जिलों से होके क्रॉस करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, करंटली जो आप इंटरचेंज देख रहे हैं ये इंटरचेंज मुकुंद्रा हिल्स इंटरचेंज है। तो हम बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। वैसे आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, सो दैट कि हम जो भी चीज़ें आपको पसंद ना हो उनसे उन्हें बेहतर कर सकें। यदि कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमारे लिए दे सकते हैं। खैर, बात कर रहे थे हम 7 डिस्ट्रिक्ट्स की, तो उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स का दोस्तों नाम है, सबसे पहले आता है अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और एट द एंड दोस्तों आता है कोटा डिस्ट्रिक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेस वे राजस्थान में 380 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है और इस 380 किलोमीटर के डिस्टेंस में दोस्तों 104 किलोमीटर ये कवर करता है सिर्फ कोटा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और कोटा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों आता है मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व। और अभी जो करंटली आप टनल देख रहे हैं ये है दोस्तों मुकुंद्रा हिल्स टनल का नॉर्थ एंड। मुकुंद्रा हिल्स टनल ऑब्वियसली बात है एक नॉर्थ एंड और एक साउथ एंड, दो एंड है इसमें। इस एक्सप्रेसवे का बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, साथ ही ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि इस टाइगर रिजर्व में रहने वाले जानवरों को परेशान ना किया जाए, इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनवा रही है मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे 5 किलोमीटर लंबा 8-लेन ट्विन टनल। एनिमल्स के सेफ्टी को देखते हुए NHI ने पहली बार एनिमल कॉरिडोर बनाया है और इस एनिमल कॉरिडोर का पूरा स्पेंड होने वाला है दोस्तों लगभग 1200 करोड़ रुपए। अच्छी बात यह दोस्तों कि ये जो टनल दिख रहा है आपको, ये टनल एक एवरेज टनल से लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन क्या इतने से बात बनेगी? वेल, आई डोंट थिंक सो। इसलिए इस टनल को बनाया जा रहा है दोस्तों साउंड प्रूफ, लाइट प्रूफ और पॉल्यूशन फ्री। जी हाँ दोस्तों, इसमें से ना तो साउंड बाहर आने वाली है, ना ही कोई लाइट बाहर आने वाली है और पोल्यूशन भी ना हो, इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है। इसलिए इस टनल को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि आसपास में जितने भी एनिमल्स रहेंगे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी रहने में। इस टनल को दोस्तों मुकुंद्रा हिल्स के 5 से 10 मीटर डेप्थ में बनाया जा रहा है। इस टनल का एरिया दोस्तों टाइगर रिजर्व के 500 मीटर पहले से स्टार्ट होगा और टाइगर रिजर्व एंड होने के 500 मीटर बाद तक ये टनल बनाया जाएगा, सो दैट के आसपास में जो बंदर वगैरह होंगे, जो पक्षी होंगे, वो सब एक्सप्रेस वे पे ना आ सके हैं। ये दोस्तों टनल का साउथ एंड। वैसे मैं आपको बताना भूल गया था कि इस टनल का प्रोजेक्ट को बना रही है दिलीप बिल्डकॉन कंपनी और ये पूरा एरिया आता है दोस्तों पैकेज नंबर 15 में। ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान स्टेट की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और द मोस्ट एडवांस्ड टनल होने वाली है ये। और इस पूरे प्रोजेक्ट का दोस्तों टोटल जो खर्च होने वाला है वो है 2000 करोड़ रुपए का, यानी कि 2000 करोड़ में ये टनल भी बनेगा और उसके आसपास में जो अप्रोच रोड है वो भी 2000 करोड़ में बन जाएगा। और 2023 के एंड तक इस एक्सप्रेस वे को, मतलब कि इस पैकेज को कंप्लीट करने का डेडलाइन दिया गया है। और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों लगभग 1100 हेक्टेयर ज़मीन यूज़ की गई है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हमें इस टनल के अंदर जाने की परमिशन तो नहीं मिली, बट जितना पॉसिबल था उतना मैंने डेफिनेटली शूट किया है आपके लिए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही आप लोग सपोर्ट देते रहेंगे तो फ्यूचर में आपके भाई को डेफिनेटली पॉसिबली एंट्री मिल जाएगी ऐसे ही किसी और टनल के अंदर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी और नेक्स्ट प्रोजेक्ट अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।